पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने छपरा शहर के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 10 से ज्यादा सभा बिहार में कर चुके हैं और यहां रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में लोकल मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय मुद्दे को जबरन थोपा जा रहा है। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि छपरा की अधिकांश समस्याएं जस की तस है और यहां के सांसद पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मैं तो प्रधानमंत्री के वादों का रिकॉर्ड लेकर चलता हूं, जिसमें उन्होंने सबसे पहली घोषणा की थी कि बिहार को स्पेशल स्टेट्स और स्पेशल अटेंशन देंगे, लेकिन वह आज 10 वर्ष गुजर जाने के बावजूद नहीं मिला है। वहीं मढ़ौरा में बंद चीनी मिलों को शुरू करने और रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। किसानों की आय दोगुनी, सबको पक्का मकान और काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ? हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेके साथ में चलते हैं। जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दोगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। आप सभी को पता ही है विगत 10 वर्षों से मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और सारण में 10 वर्षों से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी ने राजीव प्रताप रूडी पर तंज कसते हुए कहा कि रूडी जी सत्ताधारी दल के नेता हैं, लेकिन विकास करने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। सारण का विकास मेरे पिता लालू यादव ने किया है, क्योंकि उन्होंने सारण में रेल चक्का फैक्ट्री और विश्वविद्यालय की स्थापना की है। लालू जी के बाद आज तक किसी ने सारण का विकास नहीं किया है। बिहार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 बार आ चुके हैं, जिसमें रोड शो के साथ ही भाषण भी दिए हैं। चुनाव प्रचार में हर संभव काम किया है, लेकिन बिहार के विकास के लिए क्या किया एक बार भी नहीं बताया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो हैं ज़्यादा हावी।